go up the tropicalization. But it's avoid that with excess of sodium hydroxide. Okay. ये जो डबल सॉल्ट है बेटा CuNH4XSO4 वोल्ट वाइज .6H2O इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा है। आपको पता है कि ऐसे सॉल्ट जिसमें अमोनियम आता हो एसिडिक इन नेचर होते हैं बेटा, उसकी रीजन ये है कि अमोनियम आयन है द एबिलिटी टू डोनेट द प्रोटॉन। अमोनियम आयन बेटा H+ को डोनेट कर सके, इसलिए ये एसिडिक इन नेचर है। आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो कह रहा है अमोनिया गैस निकलेगी। अच्छा, द अमोनिया प्रोड्यूस, जो अमोनिया गैस बेटा रिलीज होगी इन दोनों के रिएक्शन से, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और इस डबल सॉल्ट के रिएक्शन से जो अमोनिया गैस निकलेगी उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? उस गैस को बेटा एब्जॉर्ब कर रहा है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.4 मोल HCl। ठीक है बेटा, और ये उसने एसिड एक्सेस में लिया हुआ, कैसे पता चला? आगे देखें क्या कह रहा है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.12 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। चलिए इस पर तो बाद में आते हैं, पहले आयनिक इक्वेशन लिखते हैं। राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अमोनियम आयन बेटा ये है आपके पास NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन बेटा ये है OH-। इट गिव्स, आपको मैंने बताया कि अमोनियम आयन इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि H+ डोनेट करेगा और अमोनियम अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा पर H+ और OH मिलकर वाटर बनाएंगे। ये है बेटा रिएक्शन। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स। अच्छा बेटा, अभी थोड़ी सी इसकी वो समझ लें कि जो अमोनिया गैस रिलीज हुई है ना यहाँ, उसको किसने एब्जॉर्ब किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। कितना वॉल्यूम था? 40। कितनी कंसेंट्रेशन थी? 0.4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और ये एक्सेस में था। कैसे मुझे पता चला बेटा ये एसिड एक्सेस में है? ऐसे पता चला कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ना, एब्जॉर्ब करने के बाद, मतलब इनका रिएक्शन ऐसे हुआ होगा ना आपके ख्याल में, ये अमोनिया है, इसका रिएक्शन HCl से करवाया होगा तो अमोनियम क्लोराइड बन गया। लेकिन कह रहा है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है फिर उसको आपने न्यूट्रलाइज किया विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इट मींस कुछ HCl आपका, बल्कि उसने आगे लिखा भी होगा कि एक्सेस एसिड जो था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ किया। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 40 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.4। बेटा आपने टोटल HCl के मोल बताने हैं। मुझे बता सकती हैं कितने मोल बेटा इसके आए हैं HCl के? टोटल मोल वही फार्मूला लगाना है बेटा कि कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। सर 0.016। या रेशो बना लें इसकी। चलिए बेटा इस तरह करते हैं कि था ये आएगा जी, मैं चले कैलकुलेट कर लेता हूँ। यस 0.016 बेटा ये इनिशियल मोल आए हैं, या इसको आप टोटल मोल कह सकते हैं HCl के। ठीक है, जो आपने एक्सेस में डाले थे ये आपके पास टोटल मोल्स हैं HCl के। मैं आगे लिख देता हूँ टोटल मोल्स ऑफ HCl जो आपने अमोनिया के लिए यूज़ किया। अब आगे चलें, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नीडेड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। अब बेटा आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकालने, जरा चेक करें जो HCl बेटा बच गया था ना, जो HCl बच गया था, ये नीचे जरा मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, देखें जो HCl बच गया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने NaOH यूज़ किया था बेटा, ये देखें। अब आपने कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नीडेड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। बेटा HCl NaOH के मोल कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला लगाएं, 25 इनटू इतने ही मोल आएंगे नहीं बेटा? जी सर। अब मुझे ये बताएं कि NaOH और HCl में मोलर रेशियो क्या होती है? अगर आप इनका इक्वेशन देखें ना, 1:1 रेशियो है HCl और NaOH, जितने मोल NaOH की यूज होंगे उतने HCl यूज होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर ना मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ सिर्फ अपनी हेल्प के लिए कि अनरिएक्टेड मोल ऑफ HCl कितने होंगे बेटा।
अब मेरी बात और सुननी है आपने। यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ कि मोल्स पर आपकी ऑफ स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, अब आ रही है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, मुझे ये बताएं कि एचसीएल के मुझे वो मोल्स बताएं जिन्होंने एनएओएच के साथ रिएक्शन किया है। 1:1 रेशियो होती है ना, तो 0.003 ही होंगे। जी सर। अब बेटा मुझे ये बताएं, टोटल मोल एचसीएल के कितने लिए हुए थे आपने? 0.016। और बेटा जिन मोल्स ने एनएओएच के साथ रिएक्शन किया एचसीएल के, वो कितने हैं? 0.03। बेटा इसका डिफरेंस जो होगा, बेटा जो इसका डिफरेंस है 0.01। सर आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। अच्छा बेटा एक, बेटा ये बताएं कि जो इसका डिफरेंस है ना, इन मोल्स का जो डिफरेंस है वो कहाँ गया होगा? मतलब इनिशियल मोल थे आपके पास 0.016, इनिशियल मोल थे 0.016, और एचसीएल के वो मोल्स जिन्होंने एनएओएच के साथ रिएक्शन किया वो 0.03, इसका डिफरेंस कहाँ गया होगा? इसके डिफरेंस ने किसके साथ रिएक्शन किया? जी बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? जी बेटा अमोनियम, इसका नहीं, अमोनियम के साथ नहीं, अमोनिया के साथ। बेटा अमोनियम तो खुद ऐसे था ना, अमोनिया के साथ। देखें आपने जो स्टार्टिंग में एच सी एल के मोल लिए थे वो कितने? 0.016। जी बेटा बताइएगा, जरा मुझे रिस्पॉन्ड करें आगे से। सर क्वेश्चन रिपीट करें बेटा, आपने जो टोटल मोल एच सी एल के लिए वो कितने हैं? 0.016। और वो एच सी एल के मोल आपने क्यों डाले थे? अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। जी, उसमें से कुछ एच सी एल के मोल बेटा बच गए थे। जो एच सी एल के मोल बच गए उन्होंने किससे रिएक्शन किया? एन ए एच के साथ किया ना, जो आपने बाद में ऐड किया था। जी सर, 0.003 मोल। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इसका डिफरेंस होगा एन ए एच के साथ। जी बेटा, जो अब इस इनिशियल मोल ऑफ एचसीएल का और वो मोल्स एचसीएल के जिन्होंने एनएओएच के साथ रिएक्शन किया,
का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस आ रहा है आपके पास 0.013। ये कौन से मोल्स है बेटा, ये HCl के कौन से मोल्स हैं जिन्होंने किसके साथ रिएक्शन किया? अमोनिया। अमोनिया के साथ किया, वेल डन। ये वो मोल्स हैं जिन्होंने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया बेटा। ये देखें NH3 प्लस H प्लस और NH4, तो 1:1 रेशियो है ना बेटा? जी सर। और अमोनिया और अमोनियम में रेशियो क्या है, ये भी बता दें जरा। अमोनिया और अमोनियम में क्या रेशियो है? 1:1। जी सर। ठीक है बेटा, अब ये याद रखिएगा कि अमोनियम आयन में और अमोनिया में, और बेटा आपके पास एच प्लस आयन के पास 1:1:1 रेशियो है। ये बात अभी आपने बताई है ना मुझे? जी सर। बेटा ये बताएं HCl के मोल कितने हैं? 0.013। तो अमोनिया के कितने होंगे? 0.013 होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 1:1 रेशियो है। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ, और अमोनिया कौन बना रहा है बेटा? अमोनियम आयन बना रहा है ना, तो अमोनियम आयन के मोल भी कितने होंगे? 0.013। तो आपके पास अमोनियम आयन के मोल आ गए हैं या नहीं है, क्या मुझे बताएं? जी सर आ गए। अमोनियम आयन के मोल आप निकाल चुकी हैं, दैट इज 0.013। एक दफा एक्सप्लेन कर दें कि कैसे हम अमोनियम आयन के मोल तक पहुंचे बेटा, कि ये जो HCl के मोल आ गए यहां से मतलब रिएक्टेड HCl फाइंड किया, ठीक है, उससे हमने अमोनिया का रेशियो निकाला, अमोनिया और अमोनियम का 1:1 रेशियो था, तो ठीक है। अब बेटा देखें आपने इस पार्ट को बेसिकली करना है, CuNH4X अमोनियम के मोल आ गए हैं, कॉपर का मैस गिवन है, जरा कॉपर के मोल निकाल लेना बेटा क्या होगा। कॉपर 0.413 मैस गिवन है, और कॉपर का जो बेटा एटॉमिक मैस होता है वो कितना होता है? 63.5। तो कॉपर के एटॉमिक मैस से डिवाइड करें 0.413 को, तो कॉपर के मोल आ जाएंगे 6.5 × 10⁻³। बेटा इन दोनों में मोलर रेशियो ले लें, जो लीस्ट वैल्यू उससे डिवाइड कर दें दोनों को, तो क्या रेशो बनेगी? 1:2। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल कॉपर के सॉल्ट में जो अमोनियम आयन होगा वो दो दफा होगा, 1:2। अमोनियम दो दफा है, कॉपर एक दफा। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ ये बात? और अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ 2 आ गया, तो अब आप इसका MR निकाल लेंगे। सही है। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा बेटा, मैं भी आपको ना और भी